मनाली इज द बेस्ट हिल स्टेशन इन इंडिया, और अगर आप इस हिल स्टेशन को, अपने मनाली ट्रिप को इस खूबसूरत सी स्नोफॉल और स्नो व्यूज के साथ इंजॉय करना चाहते हैं तो बुक कर लीजिए अपने मनाली ट्रिप। आइए मैं आपको एक शॉर्ट टूर दिखाती हूँ आज मनाली का स्नोफॉल के बाद कितना सुंदर नजारा है। आइडिया हो जाता है कि मनाली में भी क्या अभी कहाँ जा रहे हैं सर आप? फोटोशूट के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो इतना लगेज लगे सर? चेकआउट करना है, कल आए थे। अच्छा, कल सुबह आए थे, जाके रुकेंगे हम, गलत रुकेंगे। सोलांग वैली चले, सोलांग में रुकेंगे। अच्छा, आप दो ही है? हाँ, स्नो एंजॉय करनी है फिर। मैं दिल्ली के नॉर्थ में पहली बार आया हूँ। अच्छा, घूमने की कोई भी टूरिस्ट देती है तब तो बहुत बढ़िया है। ये मैम आएंगी अभी हमारी, ये तो मैं बाइक चलाना कैसे इसको बताया था। डिफेंस दिखाना अपने में। अच्छा, आप पूरी तैयारी करके आए हैं, बाइक कैसे चलाएंगे, स्नो में क्या करेंगे? यस, एक्चुअली ना ये बंदा मान नहीं रहा था, मुझे आने के लिए तैयार नहीं था, मुझे सोलो आना नहीं था। अच्छा, देन मेरे को 12 बजे ये रूम पे आया और सुबह 6 बजे तक नॉन स्टॉप वीडियो फोटो दिखाता रहा। आपके 30 वीडियो में जाके स्नो वाला जो वीडियो था ना, मैंने कहा भाई चल रहा है। थर्ड वीडियो 6 बजे वाला आपने बोला कि स्नो इज हियर, कम एंड एंजॉय। मैंने कहा देख बुला रही है, मैंने कहा नहीं बोला नहीं। फिर लास्ट में आपने बोला स्ट्रोम, बोल रहा हूं चलते हैं। मैंने कहा स्ट्रोम देखने चलते हैं। चल, आज तो सर पूरा दिन 100% है, फोटो ले लेते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मुझे मिले हैं डॉक्टर मुकेश जी, मैं हडिम्बा टेम्पल से वॉक कर रही थी और इन्होंने हमारी वीडियो देखी, एक शॉर्ट जो हमने लास्ट टाइम अपडेट किया था अबाउट द स्टॉर्म इन मनाली, उसको देख के वो यहाँ आए हैं। तो मुकेश जी बताइए आपका कैसा था? मैम थैंक यू सो मच, आपके अपडेट से हम यहाँ आए, और आपने जो बोला था बिल्कुल आप देख रहे हैं, स्नो हमारे ऊपर है, आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, आप इतने अच्छे वीडियोस अपलोड करते हैं, उनको देख के मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो हैं ये आए और मजा लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्टार्ट हुआ है अभी मनाली में, और आज मैं आपको कैजुअल सी वीडियो बताऊंगी, लेके चलूंगी और मैं आपको घुमाऊंगी पूरे मनाली में, माल रोड में, और देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। वी डोंट हैव एनी प्लान, हम सिर्फ स्नो को एंजॉय करेंगे और आपको आज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेसेस दिखाएंगे स्नोफॉल में एंजॉय करने के लिए। Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline, to where the future leaves us behind. The fire will burn and never die, looking through the iris of a brand new life. And so just find me, just find me. If we scream no, this is not how we're gonna go. We are the ones who'll never let go. Just watch us roll till we're no one knows. We'll never grow. पापन जी कहाँ जाना? हम जा रहे हैं आज जहाँ तक गाड़ी जाएगी। Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. मनाली माल रोड देख रहे हैं आप, मनाली स्नोफॉल बहुत ही चौंकने वाली हो रही है। और मैं आपको बता दूं लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग आपको कहीं घूमने की ज़रूरत भी पड़ेगी, अभी 2-3 दिन काफ़ी अच्छा स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है, आज फुल डे 100% है। देखिए आप कितनी हैवी स्नोफॉल हो रही है, वो भी मेन मनाली के माल रोड पर हो रही है, हाईवे पे भी स्नोफॉल हो रही है। कम लेट्स एंजॉय दिस मनाली ब्यूटीफुल स्नोफॉल। Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this-
This is it, the borderline to where the future leaves us behind. The fire will burn and never die, looking through the eyes of a brand new life. The soldiers find me. बहुत ही beautiful से view है, आप मेरे साथ देख सकते हैं बाहर. Snow का storm सा है यहाँ, जैसे long valley की तरफ जा रही हूँ और वहाँ शायद काफी activities हो रही है. लॉन्ग वैली तो पता नहीं अभी हो पाएगा कि नहीं. नेहरू कुंडिया उसके पीछे जो सेफ स्टेशन होंगे वहाँ पे अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही होगी. बट अभी तो एक्टिविटीज़ भी क्या, स्नो में ही बड़ा इंजॉय है. बहुत मतलब लकी होंगे वो लोग जिन्हें लाइव स्नोफॉल देखने को मिल रहा है. स्नो देखना और लाइव स्नोफॉल देखना दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है. जैसा मैंने आपको मनाली से चलने से पहले ही बताया था कि जहाँ तक हम पहुँच पाएंगे वहाँ तक मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं. स्नो एक्टिविटीज़ बेसिकली कहाँ हो रही है तो आप देखेंगे स्नो स्ट्रॉन्ग चल पड़ा है. और मैं अभी नेहरू गुड भी नहीं पहुँची बाघ के पास. और यहाँ पर जगह है, स्टॉल्स लग गए हैं खाने के लिए. हमने भी मैगी ऑर्डर कर ली है, थोड़े मोमोज. यहाँ भी आप अगर पीछे देखेंगे, मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, बहुत से टूरिस्ट हैं. तो यही स्नो एक्टिविटी इन स्नो फॉल में जो मेन पॉइंट है वो स्नो पॉइंट बन गया है. ट्रैफिक भी लग गया है, आगे जाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है. अभी दिन का टाइम है, रात में तो वैसे ही ज़्यादा होती है, लेकिन दिन में ही देखिए कितनी स्नोफॉल हो रही है. तो बहुत मज़ा आ रहा है, टूरिस्ट तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं. ज़्यादा ठंड लग रही है तो कोई मैगी का स्टॉल ढूंढिए, मोमोज या मैगी खाइए, थोड़ा यहाँ पर सेक लीजिए, फिर से आपको एनर्जी मिल जाएगी स्नो में खेलने को. We'll never grow old.